नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज पे। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, करंट अफेयर 5 अक्टूबर 2020। तो आज का वही हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहना है और आज भी हमें क्या करना है, कुछ नया सीख के जाना है, यहाँ से रटना नहीं है, अब क्या है समझना है। तो इसको समझ के चलते हुए एक एक करके, और मुझे लगता है ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जो इसको देखने के बाद उसको दोबारा से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं अपने व्यू के हिसाब से बताऊँ तो एक बार में ही आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिटो माइंड में सेट हो जाते हैं। तो देख लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे शो होता है। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। तो भारत सरकार अपने स्वयं के एप्लीकेशन स्टोर को लॉन्च करने की योजना बना रही है, एप्लीकेशन स्टोर में वर्तमान एकाधिकार किसका है? तो अब इसके अगर वर्तमान में एकाधिकार की अगर हम बात करें तो एकाधिकार किसका है? अब हम क्या बोलेंगे आपको कि आपको अगर हमारे ये सेशन को पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाओ, आप क्या करो, हमारी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप क्या करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि आप हमारी एस के क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो एस के क्लासेज लाइव ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। मैंने ये बात बोली, अब आप बोलोगे सर इसको डाउनलोड कहाँ से करें? तो डाउनलोड कहाँ से करो भाई, इसको डाउनलोड करो भाई प्ले स्टोर से, क्या बोलते हैं हम, प्ले स्टोर से। और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको क्या बोलते हैं कि इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर एप्पल का आते हैं जो एप्पल का स्टोर होता है उससे आप एप्पल फोन में डाउनलोड होता है, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं। लेकिन अब हमने हाल ही में क्या है, भारत सरकार ने क्या घोषणा की है कि हम अब क्या करेंगे, स्वयं का क्या बनाएंगे, एक प्ले स्टोर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्वयं का एक प्ले स्टोर बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्यों, आज से पहले तो हमने कभी ये बात नहीं सुनी, क्यों बनाएंगे? तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बनाने के पीछे का रीजन क्या है। अगर बात करें हम गूगल प्ले स्टोर की, तो हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसको हमें चार्ज देना पड़ता है। जैसे हमारी एजुकेशन ऐप हो गई, गेमिंग ऐप हो गई, जितनी भी ऐप होगी उनको क्या देना पड़ता है, हमारी जो हम लेते हैं उसका 1 से 1.5% किसको देना पड़ता है, गूगल प्ले स्टोर को देना पड़ता है, यानी कि गूगल ऐप को देना पड़ता है। इसके बाद अगर यहीं पे बात करें ना हम, मैं बता दूं आपको 2016 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जो इनकम थी गूगल प्ले स्टोर की बहुत ज्यादा थी, लगभग 31 मिलियन। तो 31 मिलियन यहाँ की क्या थी, 31 मिलियन करोड़ यहाँ की क्या थी, इनकम थी किसकी, गूगल प्ले स्टोर की। लेकिन अब बात करें इस गूगल प्ले स्टोर ने क्या कहा है, अपनी पॉलिसी में चेंज किया है कि 2021 में हम क्या करेंगे, जो ये परसेंटेज रेशो है 1 से 1.5 इसको हम बढ़ा देंगे कितना, लगभग 30%। कितने पे ले जाएंगे कि इसको हम है ना 30% करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं अब ये लेंगे, पहले तो देखो 1% ले रहे थे, अब कितना लेंगे, ये 30% लेंगे। अब इतना अगर इनको पे कर दिया तो हर व्यक्ति के लिए क्या है, यहाँ पे चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, कठिन काम हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो इतना नहीं पे कर सकेंगे। तो अब समस्या ये आती है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे अपना ही प्ले स्टोर बनाएंगे और बाहर की जो कंपनियां हैं, जो ऐप है, उनको भी हम बोल देंगे कि भाई तुम हमारे साथ अगर आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। तो इस प्रकार से हमारा खुद का प्ले स्टोर आज भी है, वो बात कर लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पे होता है ऐप स्टोर, जिसमें आपको क्या है, आरोग्य सेतु, भीम यूपीआई, कुछ इस प्रकार से ऐपें मिल रही हैं जो सरकारी ऐपें हैं, गवर्नमेंटल ऐप है जो, वो है क्या स्टोर से आपको मिल जाती है। तो हमने इस विचार बनाया है कि फ्यूचर में हम इसको क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे, जिससे क्या होगा बहुत सारी ऐप इस पे मिलने लग जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, अभी देख लीजिए फटाफट से, सोनिक बूम क्या है जो हाल ही में पेरिस में अचानक विस्फोट के कारण खबरों में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
क्या है ये सुपरसोनिक बूम है जो ये क्या है? परमाणु हमला है, फाइटर जेट की आवाज है, हथगोला है, सैनिक मिसाइल है। तो सुपरसोनिक की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है फाइटर जेट की आवाज। क्या है ये? फाइटर जेट की आवाज। अब आप कहोगे सर ये फाइटर जेट की आवाज है तो ये तो पहले भी चलती है, क्या आज थोड़ी है? ये तो आज की नहीं है। क्या आज से पहले ये फाइटर जेट चले नहीं? क्या आज से पहले राफेल नहीं चले? तो पहले तो उनकी आवाज नहीं आई इतनी, लेकिन आज इतनी आवाज उनकी क्यों आई? क्या रीजन रहा? क्या प्रोसेस है? क्यों इतनी आवाज आई? क्यों एकदम से बूम की आवाज आती है और घरों के जो खिड़की दरवाजे हैं उनके कांच तक टूट जाते हैं? इतना तगड़ी विस्फोटक बूम की आवाज आती है कि जो घरों के खिड़की दरवाजों के कांच हैं वो तक टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब बात कर लेते हैं फाइटर जेटों की। एग्जाम्पल ले लेते हैं राफेल का। अब जैसे राफेल चला, फाइटर जेट है, इनकी जो स्पीड होती है 102 मैक पे चलते हैं। कितनी स्पीड पे चलते हैं? 1 से 2 मैक पे। लेकिन बात करें जब ये 1 मैक पे चलते हैं तब तक क्या है, ये इतनी ज्यादा आवाज नहीं करते। हमें आवाज तो आती है, आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन एक बूम की आवाज नहीं आती। बूम की तरह मतलब एक विस्फोटक आवाज नहीं आती। तो फिर ये कैसे आती है जी? अब जैसे ही हम इसको 1 से 2 में ट्रांसफर करेंगे, जब हम दूसरा गियर इसमें डालेंगे कि 2 मैक की स्पीड से इसको दौड़ाना है, तो ये एकदम से क्या करता है, फुल स्पीड के साथ भागेगा और एकदम से क्या करेगा, आवाज बहुत तेज करेगा। साउंड क्या करता है, बहुत ज्यादा निकालता है। तो होता क्या है, आवाज तो पीछे रह जाती है और जो फाइटर जेट है वो आगे निकल जाता है और वो हमें आवाज सुनती है किसकी? बूम की। अब आप ये बोलोगे कि जी आज से पहले, कि सर आज से पहले भी तो 2 मैक पे चला होगा, आज से पहले भी तो 2 गियर डले होंगे, लेकिन आज से पहले तो ये नहीं हुआ, तो आज ही ऐसा क्यों हुआ? अब इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे पीछे रीजन क्या है, एक मूवी आई थी बहुत पहले, धमाल। कौन सी मूवी आई थी? धमाल मूवी आई थी। और उसके अंदर आपने देखा हो एक बड़ा ही फनी सीन है। एक इस प्रकार से गोल शीशे का कमरा होता है और जो उसमें वो हीरो है जो उस जहाज को उड़ा रहा है, जो उस एरोप्लेन को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, तो हवाई जहाज को उड़ाते उड़ाते वो पायलट को बेचारे को चलाना तो आता नहीं, तो कभी इधर ले जाता है कभी उधर ले जाता है। तो जो यहाँ पे उस कमरे में बैठे हुए व्यक्ति हैं तो उनका उससे कनेक्शन टूटने लग जाता है। वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू ये कर वो कर, उसको बता रहे हैं। तो मतलब कोई भी एरोप्लेन अगर यहाँ से जा रहा है तो उसका क्या होगा, इसके साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है। जैसे ही इसके साथ कनेक्शन टूट जाता है किसी भी जहाज का, तो होता क्या है, ये एकदम से क्या कर देगी, इनवाइट कर देंगे, एकदम से इस खबर को भेज देंगे किसके, फायर एयर फोर्स के पास। अब ये क्या करेंगे, अपने जहाज उठाएंगे और एकदम से उसके पीछे चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन टूट गया तो ये क्या है, अपनी दिशा बदल सकता है, बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है ये गायब हो जाए, हमें मिले ही ना, आसमान में क्या हो सकता है, एकदम से क्या हो सकता है, इसमें कोई घटना घट सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन हैं। तो एकदम से यहां पे क्या किया जाएगा, इनको बोला जाएगा और ये इमिडिएटली एक्शन लेते हैं और एकदम से उसके पीछे जाएंगे। तो ऐसा ही यहां पे होता है, जब ये एकदम से चले इनको जरूरत पड़ी कि अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें जाना पड़ेगा। और अभी क्या किया इन्होंने, बिल्कुल हमारे पास ही क्या कर दिया, 1 मैक से 2 मैक की स्पीड में इन्होंने अपना कन्वर्सन कर दिया। अब ये किया, लेकिन आमतौर पर ये होता कब है, चलता हमारा इतनी ही स्पीड पे है लगभग, लेकिन यहां पे इतनी आवाज आई क्यों? क्योंकि पहले अगर चलने की बात करें तो ये कि तो क्या होता है, 1500 फीट ऊपर जाने के बाद क्या करते हैं, इस गियर को डालते हैं, मतलब 2 मैक की स्पीड पे इसको ले जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या किया गया, इससे नीचे ही क्या है, एकदम से इमरजेंसी में क्या करना पड़ गया, 2 मैक की स्पीड पे इसको ले जाना पड़ गया। तो इसलिए यहां पे क्या है, एक सुपरसोनिक बूम के क्या आती है, बूम की आवाज आती है।
इसके बाद बात कर लेते हैं ये घटना कहाँ पे घटी है जी। ये घटना घटी है किसके अंदर, ये घटना घटी है फ्रांस के अंदर। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अब चलते हैं आगे। कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? जापान, अमेरिका, चीन या भारत? तो खनन मतलब क्षुद्र ग्रह में क्या कर रहा है, भेजेगा रोबोट को किसके लिए, खनन करने के लिए कि वहां से हमें मिनरल्स मिल जाएं। तो कौन सा देश है वो महान, अगर उस देश की बात करें तो वो क्या है, चीन। कौन सा देश है चीन, ऐसा देश है जो विश्व का प्रथम देश बनने जा रहा है जो खनन के लिए क्षुद्र ग्रह पे क्या करेगा, अपने रोबोट लॉन्च करेगा। चीन ने कहा है कि नवंबर में क्या कर देंगे, हम रोबोट को इसके यहाँ पे भेज देंगे, यानी कि नवंबर में ये क्या करना जा रहा है, रोबोट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है। तो दुनिया का ये क्या बन जाएगा, पहला देश बन जाएगा। अब वो देखते हैं हम नवंबर में होता क्या, ये भेजते हैं या नहीं भेज पाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या शो होता है। चलो, चीन, चीन की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग। करेंसी मुद्रा क्या है, युआन। राष्ट्रपति क्या है, एक्स जिनपिंग, वो सी जिनपिंग। और कौन से महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। जो इसकी लोकेशन है कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या शो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, हाल ही में डीआरडीओ ने किस टैंक से लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डीआरडीओ आजकल क्या है, हमारी चर्चाओं में चली हुई है, कुछ ना कुछ हर रोज करती रहती है। तो डीआरडीओ की बात करें, इसने क्या किया है, अर्जुन MBT मिसाइल लॉन्च किया है। अब ये जो अर्जुन MBT मिसाइल क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एंटी टैंक है, ये जो टैंक होते हैं, क्या जो ये टैंक होते हैं आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, वैसे भी कहीं पे देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ पे कैंट में आपने कभी गए हो तो वहाँ पे देखे होंगे आपने टैंक खड़े मिलते हैं। क्या होते हैं उनके पहियों पे, क्या होती है एक चेन होती है, और उनसे क्या दागे जाते हैं, गोले दागे जाते हैं। अब छोटा मोटा अगर गोला टैंक को आके लग भी जाता है तो टैंक का क्या है, कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन वो जहां पर गोला पड़ेगा और जहां पर जितनी पब्लिक होती है उसको क्या कर देगा, वो बहुत जल्दी फिनिश कर देगा, मतलब एक धमाके के साथ सबको समाप्त कर देगा। लेकिन अब बात क्या हुई है, कोई ऐसा भी सिस्टम है कि मतलब हम टैंक को उड़ा दें? अब देखो, अगर युद्ध की स्थिति बनती है, देखो युद्ध होगा दो देशों के बीच, तो जाहिर बात है किसी के देश के पास तो टैंक होगा नहीं, तो दोनों देशों के बीच क्या है, टैंक है। तो वो दोनों देश एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, गोले दाग रहे हैं। जब गोले दाग रहे तो दोनों की जान मान की हानि हो रही है। तो हमने क्या लॉन्च किया, हमने यहाँ पे किसका उपाय कर दिया, हमने टैंक का ही सोल्यूशन कर दिया कि अब हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट टैंक को ही उड़ा देंगे, और एंटी टैंक इस पे एक मिसाइल रख दी जो क्या करेगी, टैंक को उड़ाने में सहायता करेगी। अब बात कर लेते सर, अब टैंक तो इधर से उधर चलता रहेगा, तो टैंक पे कैसा निशाना लगाएंगे हम, निशाना तो तब लगा सकते हैं जब वो एक जगह पे हो, लेकिन हम क्या बोलेंगे जी, ये जो टैंक किया ना हमने, ये फोर्थ जनरेशन का टैंक है। कौन सी जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का टैंक है। ये क्या करेगा, लेजर के माध्यम से, क्या करेगा, लेजर के माध्यम से टैंक को क्या बना लेगा, अपना निशाना बना लेगा। अब तक अगर बात करें हम, चार प्रकार के टैंक आ चुके हैं। कितने, चार प्रकार के टैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले में तो क्या था, हमें गोला फेंकना पड़ता था, अब वो किस, अगर उस पर लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो क्या है, गोला विफल हो गया। दूसरे में हमने क्या किया, मशीन का और आदमी का क्या है, जो मानव का क्या है, रिलेशन किया कि भाई कुछ इस हिसाब से बन जाए। तीसरे में भी हमारी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन फोर्थ जनरेशन में तो हमने क्या कर दिया, लेजर के माध्यम से इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया कि टैंक कितना भी हिले डुले, कितना भी टैंक भाग ले, हम लेजर के माध्यम से क्या है, उसको निशाना बना लेंगे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो देख लेते हैं क्या है।
भारत के आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन में अगस्त 2020 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? अब आपको अब के साल देख रहे हो आप, मार्च के बाद क्या है, कमी कमी आ रही है, बढ़ोतरी तो कहीं आई नहीं, तो कमी कितनी आई है? कमी आई है 8.5 की। कितनी कमी आई है जी? 8.5% की कमी आ गई। किस में? आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में। वो आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो उनकी बात करें, इंडियन हाइट कोर इंडस्ट्रियल स्कोर्स कनेक्ट 8.5 अगस्त 2020। कमी आई है कौन कौन से में? कोरल में, उसमें कोयले में, तेल में, गैस में, रिफाइनरी प्रोडक्ट में, फर्टिलाइजर में, स्टील में, इन प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में, इनमें कमी आई है कितनी? 8.5%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ ग्रीन रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है ग्रीन साझेदारी पर? ये किया है जी डेनमार्क के साथ। किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ। डेनमार्क से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, चलता है डेनमार्क, मार्केट में रहता है। तो डेनमार्क की बात कर लें हम, डेनमार्क की जो कैपिटल है वो क्या है? कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। प्राइम मिनिस्टर कौन है यानी कि प्रधानमंत्री? मेटे फेडरिकसन। और महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। और कहाँ पे पड़ता है? बाल्टिक सागर में स्थित है। इसके अलावा इन्वायरमेंट में अगर देखें तो प्रथम स्थान पर क्या पड़ता है? डेनमार्क। इन्वायरमेंट में क्या है? प्रथम स्थान पर। इन्वायरमेंट की अगर इंडेक्स की बात करें तो प्रथम स्थान पर क्या है? यहाँ पे डेनमार्क है। इसके बाद बात करें दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कहाँ पे है? डेनमार्क में। मतलब द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पे है? ये है जी डेनमार्क के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सी कंपनी भारतीय कंपनी रिलायंस में 498.31 मिलियन का निवेश करेगी? तो कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है जनरल अंटार्कटिक। कौन सी? जनरल अंटार्कटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आता है। तो नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा नवाचार में वयोवृद्ध रक्षा व्यक्तिगत की भागीदारी के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आईडेक्स फॉर 4G। कौन सी? आईडेक्स फॉर 4G। क्या किया ये रक्षा मंत्रालय ने पहल शुरू की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे शो है ये, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माया सहेली, ऑपरेशन माया सहेली शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है दक्षिण रेलवे ने। किसने किया जी? ये स्टार्ट किया है दक्षिण पूर्व रेलवे ने। अब इसकी बात करें, मतलब ये है क्या? अब इसमें क्या होगा, रेलवे में जब कोई भी महिला यात्रा कर रही है तो उस यात्रा के दौरान उसकी क्या होगी? सबसे पहले तो वहां पे जो पुलिस वाले कर्मचारी होंगे वो पता लगाएंगे कि किस डिब्बे में कितनी महिला और कहाँ पे बैठी हुई है, किस महिले में किस डिब्बे में कितनी महिला और कहाँ पे बैठी हुई है, उन सब का निरीक्षण करेंगे ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और उन्हें टाइम पे सूचित करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन ये है, और यहाँ पे क्या है, पुलिस स्टेशन है, आप वहां पे जाके क्या कर दो, कंप्लेंट कर दो। इमीडिएटली उस पर क्या होगा, एक्शन होगा। तो इमीडिएटली क्या होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो एक ये बड़ी अच्छी पहल है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, तो महिलाओं की यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अच्छी पहल है, जिसमें क्या है, उनको समय समय पर जागरूक किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक रहे सारे के सारे। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिकेट ने एमएस धोनी की T20 में सबसे ज्यादा स्टंपिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ये कौन सा है? एलिसा हिली। कौन है ये महिला? एलिसा धोनी जी की
इसने क्या है T20 में अब तक लगभग 91 विकेट गिराए हैं। कितने 91 विकेट लिए हैं इसने किसने स्टिम्पी द्वारा, मतलब उसके बैट्समैन के पीछे खड़ा होता है और स्टिम्पिंग करके करता है। इसने T20 में 91 विकेट लिए हैं। लेकिन यहीं पे बात कर ले, एली साहिली ने इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये संख्या कितने पे पहुंचा। धोनी, इसने क्या किया था 51 विकेट लिए थे, लेकिन यहाँ पे इस महिला ने, लेडीज ने क्या किया 92 विकेट लिए, और इसके साथ ही ये क्या बन ली, विश्व की पहली महिला बन गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था, और उम्मीद है आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ नया हमने आज सीखा है, कुछ आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करने जा रहे हैं।